खबरें अभी तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्राथमिकता के साथ दिखाया था कि डेंगू को लेकर अस्पतालों में किस तरह लापरवाही बरती जा रही है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश ने अब इस मामले को संज्ञान में ले लिया है। औचक निरीक्षण के लिए स्वास्थ्य सचिव पहुंचे और कोरोनेशन अस्पताल में लापरवाही दिखी तो नाराज नजर आए थे स्वास्थ्य सचिव। डेंगू वार्ड में मरीजों का हालचाल भी उन्होंने जाना। अस्पताल में मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली और अस्पताल में पैथोलॉजी सेंटर बंद होने पर सचिव स्वास्थ्य ने नाराजगी जाहिर की। स्वास्थ्य सचिव ने अधिकारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। तो अस्पताल में सुविधाओं की लापरवाही जब देखी तो स्वास्थ्य सचिव की तरफ से अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। खबरें अभी तक नहीं प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि किस तरह डेंगू को लेकर प्रशासन लापरवाही दिखा रहा है। एक तरफ तो डेंगू का आंकड़ा बढ़ रहा है, आए दिन मरीज मिल रहे हैं और इसी बीच स्वास्थ्य सेवाओं में जिस सुधार की जरूरत है वो नजर नहीं आ रही है। और इसी को लेकर देखिए स्वास्थ्य सचिव एक्शन में आए हैं, औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं और जहां जहां खामियां मिली हैं उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, लापरवाही ना बरती जाए। खबरें अभी तक की खबर का ये बड़ा असर, स्वास्थ्य सचिव खुद औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। लगातार देखा यह जा रहा है प्रदेश में डेंगू का आंकड़ा बढ़ रहा है। डेंगू के बढ़ते आंकड़े के मद्देनजर बड़ी परेशानी उन मरीजों को आ रही है जो अलग अलग अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए कोई खास सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसी खबर को खबरें अभी तक ने प्रमुखता से दिखाया कि किस तरह डेंगू के मरीजों को स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सचिव ने इस मामले को संज्ञान में लिया। खबरें अभी तक ने खबर को प्रमुखता से दिखाया तो अब खबर का असर हुआ है।